आज हम सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्या सीखेंगे? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम कौन सा हुआ? घटता हुआ। अब जल्दी से आप लोग अपने आप को आरोही क्रम में लगा लीजिए अपनी हाइट्स के अकॉर्डिंग। देखिए कौन कौन से नंबर पर आता है। वेरी गुड। यानी आरोही क्रम में क्या हुआ, सबसे छोटी इनकी हाइट, फिर आपकी, यानी सबसे छोटी कौन हुई? समीरा। उससे बड़ी हाइट किसकी हुई? अली हम्माद। उससे बड़ी हाइट किसकी हुई? फैजान की। उससे बड़ी हाइट किसकी हुई? शामिर की। और सबसे बड़ी हाइट किसकी हो गई? शुएब की। तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब जल्दी से आप लोग अपने आप को अवरोही क्रम में लगा लो। वेरी गुड। अब अवरोही क्रम में क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा, यानी जो सबसे बड़ा था वो क्या हो गया सबसे? अब देखो घटता हुआ क्रम। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़े कौन हो गए? शुएब, उसके बाद शामिर, उसके बाद फैजान, उसके बाद अली हम्माद, फिर समीरा। यानी पहले आपका क्या था, पहले आपका क्रम बढ़ रहा था। पहले सबसे छोटी हाइट थी, फिर उससे बड़ी हाइट थी, फिर उससे बड़ी हाइट थी, फिर उससे बड़ी हाइट थी। अब क्या हुआ, पहले सबसे बड़ी हाइट आएगी, फिर उससे छोटी हाइट, फिर उससे छोटी हाइट, फिर उससे छोटी हाइट, और फिर सबसे छोटी। इसका मतलब सबसे छोटी कौन हो गई? समीरा। और सबसे बड़ा कौन हो गया? श्वेत। आप सबको क्या आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप?